एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे, क्योंकि जहां पर ग्राउंड पर सिक्योरिटी फोर्सेस इस वक्त मुश्तरका कार्रवाइयां अंजाम दे रही हैं, तो दूसरी तरफ एयरफोर्स की भी तैयारियां जम्मू कश्मीर के अंदर पूरे इस वक्त शबाब पर हैं। और इस बीच सीनियर ऑफिशियल्स वाइस एयर मार्शल, जिनने जम्मू कश्मीर का दौरा किया है, जम्मू के अंदर उनने तैयारियों का जायजा लिया है। फिजाइया के जो वाइस एयर मार्शल हैं, उन्होंने जम्मू का दौरा किया और इस दौरान जम्मू एयरबेस पर ऑपरेशन की जो तैयारियां हैं उनका जायजा लिया गया। वाइस एयर मार्शल AR चौधरी, जो वाइस एयर मार्शल हैं, वो जब जम्मू पहुंचे तो एयरफोर्स हर महाज पर तैयार है, ये बयान भी उनकी तरफ से दिया गया। साथ ही अफसरान से जो वॉरियर्स थे उनसे भी मुलाकात की और ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस जो अब तक हुई है या आगे की जो हिकमत अमली है उस सब पर तफसीली गुफ्तगू अफसरान के साथ जम्मू में हुई है। बड़ी खबर कि एयरफोर्स फिजाइया भी अपने तरीके से तैयारियों में लगी हुई है, क्योंकि चीन के साथ जिस तरीके का माहौल है और पाकिस्तान जिस तरीके से सरहद पर कार्रवाइयां कर रहा है उसको देखते हुए एयरफोर्स की कार्रवाई भी एक बहुत बड़ी कार्रवाई मानी जाती है। और यही वजह है कि एयरबेसिस पर अचानक मुआयना भी इन दिनों किया जा रहा है और एयरफोर्स के नायब चीफ की तरफ से जम्मू एयरबेस का दौरा किया गया है, वेस्टर्न एयरफोर्स कमांड का दौरा किया गया, जिसमें उन्हें यह कहा गया कि तमाम तरह की तैयारियां जो है वो मुकम्मल है और मुल्क की दिफा के लिए कोई भी कदम उठाने के लिए एयरफोर्स बराबर तैयार है। तो एयरफोर्स की कार्रवाई जम्मू से बड़ी खबर कि वहां पर लगातार जो है एक के बाद एक बड़ी खबर आ रही है और एनकाउंटर के बाद दूसरी खबर कि एयर मार्शल का दौरा जम्मू बेस, और जम्मू बेस के दौरान उन्होंने जहां अफसरों के साथ बातचीत की है वहीं पर इस बात की तस्दीक की है कि सूरत हाल काबू के अंदर है, पुरतनाव भी लद्दाख के अंदर है, लेकिन जरूरत पड़ी तो एयरफोर्स सफ़े अव्वल पर खड़ी रहेगी किसी भी ऑपरेशन को हैंडल करने के लिए।